हेलो एंड वेलकम टू आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में पॉलिटी की वीडियो हमने पढ़ा था पार्ट वन और उसका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे भाग दो यानी कि नागरिकता सिटीजनशिप। यानी अब हमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पता चल गया, अब हम आएंगे नागरिकता। देश में अगर कोई रह रहा है तो वो कैसे रहेगा और उसके बारे में क्या क्या प्रोविजन दिया गया। तो ठीक है, सबसे पहले आता है भाग टू नागरिकता और आर्टिकल 5 to 11 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में वर्णन दिया गया है। तो आते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान कब लागू प्रारंभ हुआ था, 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था। ठीक है, उस समय उसका जन्म भारत में हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो वो जन्म भारत में हुआ, नागरिकता किस किस आधार में मिलती है। जन्म पहला भारत में हुए हो, उसके बाद उसके माता पिता भारत में हो, ठीक है, भारत के हो, संविधान लागू होने के समय भारत में रहता हो। जब संविधान लागू हुआ था तो आपके भी कोई ना कोई पूर्वज होंगे, वो उस समय भारत में रहते होंगे, तो उस बेसिस पे आपको ये नागरिकता मिलती है। तो आई होप आर्टिकल 5 आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं और आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 6 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 और 7 की वैल्यू आज के टाइम पर कुछ ज्यादा खास है नहीं, ये ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो बस आप एक बार मोटा मोटा जान लीजिए कि क्या है ये कानून। तो बोला गया पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। भाई उस समय प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब डिवाइड हो रहा था, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, दो देश कंट्री बन रहे थे। उस समय आर्टिकल नंबर 6 और 7 को लाया गया था कि जो पाकिस्तान से बाहर आए हैं, यानी कि जो पहले पाकिस्तान चले गए थे 1947 में, नहीं, पाकिस्तान से भारत, ये वाला आर्टिकल है, पाकिस्तान से भारत आए लोग यानी कि जो पाकिस्तान के हैं लेकिन वो इंडिया में आके रहना चाहते हैं, ठीक है, उनको भाई देना बनता है। भाई पाकिस्तान गए, अब भाई पाकिस्तान आप जानते हैं कैसी कंट्री है, तो वहां से उन लोग को प्रॉब्लम हुई, तो वो इंडिया आकर रहना चाहते हैं, तो उनको नागरिकता दी गई आर्टिकल नंबर 6 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। अब कुछ लोग यहाँ रहते थे, जैसे कि मैंने नोट करके लिखा हुआ है, 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आजाद हुआ था, लेकिन 1 मार्च 1947 की ये भूमिका बन गई थी कि दो देश होंगे, एक इंडिया होगा एक पाकिस्तान होगा, जिसको इंडिया में रहना वो इंडिया में रहे, जिसको पाकिस्तान जाके रहना वो पाकिस्तान जाके रहे। ठीक है, तो 1 मार्च 1947 एक डेट आई, उसे बोला गया कि इसके बाद अगर कोई गया हो, ठीक है, इससे पहले कहीं माना जाएगा, इसके बाद यानी 1 मार्च 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, तो जब अगर पाकिस्तान गया है और अगर इंडिया वापस आ गया है लेकिन वो रहना चाहता है, पहले पाकिस्तान गया फिर उसको मजा नहीं, उसको लगा कि नहीं भाई पाकिस्तान बड़ी खतरनाक कंट्री है, हमें यहाँ नहीं रहना, हम इंडिया में जाके रहना, वहाँ सेफ है, ठीक है, तो वो इंडिया आके रहना चाहता है, तो उसको वापस आ गया हो तो उसको बोला गया बिल्कुल आप रहिए, आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और आप आराम से इंडिया में रहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 7 बोला। तो 6 और 7 क्या है, कुछ खास वैल्यू है नहीं और ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, भारत की नागरिक यानी कि भारत के नागरिक कौन हो गए, एक माता एक पिता, ठीक है, यानी कि कोई मेल या फीमेल, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, आज की कंडीशन की बात। तो भारत के नागरिक जो विदेशों में रहते हैं यानी कि वो कहीं बाहर जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही कई लोग हैं जो यूएसए ब्रिटेन और पता नहीं कहां कहां विदेशों में जॉब करते हैं, और वहीं जॉब करते हैं, ठीक है, वहीं उन्होंने अच्छा शादी कर ली, वहीं उनके बच्चे हो गए, अब वो बच्चे भारत के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल भारत के नागरिक होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उसके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, तो अब हम बात करेंगे आगे और हम देखेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 हमारा क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, कोई नागरिक अभी तो है, पैदा हुआ अभी 18 साल का नहीं हुआ है, वो कहीं भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन अगर वो बड़ा हो जाता है 18 साल का, तो वो विदेशी अगर नागरिकता ले लेता है किसी भी तरीके से, तो इसकी इंडिया की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। भाई नागरिकता के आपके कोई अधिकार होंगे, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो इस पर अगर कोई भी चीज क्लेम करना चाहिए, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आती है, तो वो आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर आपके 10 सुलझा देगा, क्योंकि इसमें नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, इसमें क्या क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। पिछले साल आपने देखा होगा 2019 में जो कानून आया था CANRC का, वो इसी के तहत आया था। ठीक है, किसने बनाया था, संसद ने बनाया था, क्योंकि हमारे जो संविधान जब बना था उसमें नागरिकता के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी गई थी, नॉर्मल से छोटे छोटे कानून से बना के रख दिए गए थे। ठीक है, लेकिन उसमें ये लिख दिया गया आर्टिकल नंबर 11 में कि नागरिकता संबंध जो भविष्य में कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, और संसद में कौन बनाएगा, वो गृह मंत्रालय बनाएगा मेन कानून। ठीक है, संसद इसमें सुधार कर सकती है, इसमें कुछ हटा सकती है, इसमें कुछ जोड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो आई होप ये सब अनुच्छेद लेकर 5 से 11 तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इंडिया की और कैसे उसको छोड़ सकते हैं। हम आगे देखते हैं और हम देखते हैं हमने क्या बोला था, नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस किस टाइप से हम नागरिकता अपने देश की प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास जन्म के आधार पर। तो ये पहले बोला गया था कि जन्म के आधार पर जिसका जन्म भारत में हो जाएगा वो भारत का नागरिक हो गया। तो ये पता नहीं किस टाइप का कानून बनाया था, कुछ समझ में नहीं आया था उन लोगों को,
जैन के आधार अब भाई कोई जैसे घूमने आया कोई पाकिस्तान से या किसी देश से बाहर से घूमने आया पर पता चला ताजमहल देखने आया है, अब ताजमहल वो लड़की लेडीज प्रेग्नेंट है, पता चला उसका बच्चा हो गया तो वो भारत का नागरिक हो गया, ठीक है। इस तरह से कई बार एक केस आ चुका है। तो भैया 1986 ठीक है, उसके बाद नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में वहां तक रूल था, उसको भाई चेंज करके ये आगे ये 1986 में बोला गया कि फिर उसके बाद अमेंडमेंट जो किया गया हमारे पास, पहला अमेंडमेंट बोला गया ना, संशोधन हुआ नागरिकता अधिनियम के बारे में पूछा गया तो कब शुरू किया गया तो 1955 पहले मैं ये बता देता हूँ, नागरिकता अधिनियम 1955 उसके बाद उसमें बोला गया क्वेश्चन अगर आएगा कि पहला संशोधन कब हुआ, ठीक है, तो बोला जाएगा 1986 कानून कब आया 1955 संशोधन कब हुआ 1986 पहला संशोधन, ठीक है। उसके बाद फिर 1992 2003 2005 थोड़ा 15 में भी हुआ और पिछले साल 2019 में तो कानून आ गया CNRC बारे में, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा कर अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो जब जन्म के आधार पर नागरिकता देने लगे भाई इंडिया में प्रॉब्लम आने लगी, भाई कोई भी आ रहा है इंडिया में बच्चा पैदा कर देता है और लो भाई वो इंडिया का नागरिक हो जाता है, तो उसके बाद 1986 में अमेंडमेंट किया गया कि नहीं भाई ये भाई या तो माता या तो पिता दो में से कोई एक जब इंडिया का नागरिक होगा तभी हम उसको मानेंगे अपने आप, ठीक है, मतलब अपने देश की नागरिकता देंगे। 1986 में अमेंडमेंट आया, ठीक है। उसके बाद इसी में अमेंडमेंट में बाद में चेंज किया गया 2003 में, इसी में बाद में चेंज किया गया भाई माता पिता पे बात आई, अब पता चला माता पिता कोई भी हो सॉरी 2003 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें बोला गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है। इसमें पहले बोला गया था माता या पिता में से कोई एक हो, कोई एक हो, ठीक है, पिता कहीं का भी हो माता कहीं कोई चलेगा एक होना चाहिए। 2003 में अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और जो दूसरा वाला हो, ठीक है, यानी कि जो माता होगी तो पिता और पिता होगी तो माता दूसरा हो, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इंडिया के, या सॉरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इंडिया से रिलेटेड, जैसे बाय द वे वो घूमने आया है और पता चला घूमने घूमने तो क्या पिता बन जाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए उसको सब दस्तावेज दिखाने होंगे, यहाँ पर मिनिस्ट्री में संपर्क करना पड़ेगा तब उसको जाके उसके बच्चे को यहाँ पर नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं अगला वंश के आधार पर, वंश के आधार पर सबको नागरिकता मिलती है, हमारे जैसे लोग हमारे यहाँ के लोगों सबको 99% इंडिया में सबको वंश के आधार पर नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। हमारे पापा जो थे क्या मतलब है सॉरी हमारे पापा वो इंडिया के नागरिक हैं, उनके पापा वो भी इंडिया के नागरिक थे, उनके पापा वो भी नागरिक, तो ये वंश के आधार पर एक पीढ़ी बाय पीढ़ी चली आ रही है, ठीक है। अब हमारे जो बच्चे होंगे वो भी वंश के आधार पर उनको नागरिकता इंडिया की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल बोला गया कि ज्यादातर लोगों को इसे मिलती है। उसके बाद आ जाता है पंजीकरण, अब पंजीकरण में क्या बोला गया कि आप बाहर से आए हैं, ठीक है, ये कानून लाया गया पंजीकरण वाला। अब पंजीकरण वाले में बोला गया कि बाहर से अगर कोई आया है और उसको नागरिकता इंडिया की लेनी है तो भैया कम से कम उसको 7 साल लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कोई आया इंडिया में, इंडिया भाई खूबसूरत देश है सब लोग देखना चाहते हैं, कोई आया भाई देखने के लिए ताजमहल, अब ताजमहल देखने के लिए आया उसको मन हो गया कि नहीं भाई हमको इंडिया में रहना है तो अब क्या तुरंत उसको नागरिकता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी ना, तो पहले उसको रखा जाए भाई रहो तो कम से कम यहाँ पर कुछ दिन, ठीक है। तो बोला गया कि कम से कम 7 साल रहो उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अगला आ गया देशीकरण नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन क्या होता है, वो होता है इसमें आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभी मैं बताता हूँ आपको, इसमें आपको 10 वर्ष रहना पड़ेगा पहली चीज, दूसरी चीज साइंस विज्ञान साइंस या कला आर्ट, ठीक है, फिर किसी एक में रुचि होनी चाहिए और तो ये बोला गया, तो देशीकरण में बोला गया हाँ हिंदी भाषा जानना चाहिए, नहीं कोई भाषा आनी चाहिए, कोई एक भाषा आनी चाहिए। तो नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि वो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष रहा हो, ठीक है, इंडिया में, उसके बाद उसकी विज्ञान साइंस या कला आर्ट इसमें से किसी एक में मतलब पहुंच होनी चाहिए, इसका किसी एक अच्छा कार्य करने वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है कोई भाषा आनी चाहिए, भाषा मतलब जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का हमें उल्लेख मिलता है, जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ इन सब की, ठीक है, तो इनमें से कोई एक भाषा उसको आनी चाहिए।
उसके बारे में नॉलेज हो। तो इसका सबसे बेस्ट अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, अभी हाल फिलहाल की बात है, नायकता मिली है किसको, अदनान सामी को, जो पाकिस्तान के निवासी है मूल रूप से, लेकिन वो कम से कम 10 साल से हमारे इंडिया में रह रहे थे, ठीक है। और वो कला मतलब आर्ट, आर्ट में उनको, क्योंकि संगीत में थे, ठीक है, तो संगीत में उनको रुचि है, संगीत के एक प्रमुख जानकार, ठीक है, गीतकार है, और एक भाषा हिंदी उनको अच्छे से आती है, ठीक है। तो हिंदी उर्दू बोलने कोई कारण, तो उनको अभी हाल फिलहाल ही अभी रिसेंटली उनको नागरिकता मिली हुई है पिछले साल, ठीक है। अर्जित भूमि, अब ये आता है पांचवा, ये बाद में अमेंडमेंट, पहले चारों को दिया गया, उसके अर्जित भूमि वाला बाद में आया हमारे 1986 में, ठीक है, उन्होंने जो किया गया उसमें बोला गया सिक्किम, जैसे अर्जित भूमि आया, यानी कि कोई अगर बाहर का इंसान है और अगर वहाँ के इंडिया की कोई जमीन खरीद लेता है, ठीक है, तो सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इंडिया के लोग, जो जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिक्किम से वापस इंडिया में लाया गया था, तो वो लोग इंडिया के तो थे नहीं, लेकिन उनको नागरिकता सबको एक साथ यूनियन रूप से दी गई, तो वो बोला गया सिक्किम को अनुराग जैसे दिया गया। कल को अगर पीओके के लोग हैं वो इंडिया के तो नहीं है, समझिएगा, इंडिया के नहीं है, लेकिन अगर वो कल अब इंडिया में आ जाता है पीओके, तो उनको नागरिकता देनी पड़ेगी, तो उनको नागरिकता किस अधिनियम के तहत दी जाएगी, क्योंकि उनमें ना जन्म हुआ, वर्ष कुछ नहीं हुआ, तो उनको इस जो पांचवा नंबर है इसके अकॉर्डिंग उनको नागरिकता दी जाएगी। आई होप आप सभी ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लास्ट बात करते हैं नागरिकता खत्म करने की विधियां, कैसे किस तरफ खत्म होती है। ये जो अमेंडमेंट दिए गए अधिनियम जो 55 में आया, उसके बाद 86 में पहला संशोधन, उसके बाद इस तरह से संशोधन होते गए, ठीक है। अब हम लास्ट देख लेते हैं नागरिकता को समाप्त करने की विधियां कौन कौन सी होती है, नागरिकता किस तरह से खत्म की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है परित्याग, यानी कि रीइनिशिएशन, ठीक है। तो ये होता है कि जब अगर कोई इंसान दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो इंडिया की नागरिकता होगी वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम हैं, तो हम अभी इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है। अगर हम बाहर चले गए यूएसए की, हमने यूएसए की नागरिकता में ले ली, हमें अच्छा लग रहा है, तो ये वाली जो होगी हमारी इंडिया की नागरिकता, वो हमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है परित्याग, यानी कि रिनिशिएशन, ठीक है, पहली चीज आप समझ गए होंगे। सेकंड आता है परवर्तन, यानी कि टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में बर्खास्त कर दिएगा किसी भी चीज बर्खास्त कर दिएगा। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं, आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन आपने बताया नहीं इंडिया को, ठीक है, आप वहां भी रहते हैं यहाँ भी रहते हैं, आप इलीगल काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंडिया वाले आपको जबरदस्ती बर्खास्त कर देंगे, भैया आप जाइए वहीं रहिए, ठीक है, आपने बताया नहीं, आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, भैया वहीं जाके रहिए, आप परमानेंट वहीं के मेंबर बनिए, सिटीजन बनिए, ठीक है। तो ये होता है टर्मिनेशन, ठीक है, पहली चीज खुद ऑटोमेटिक खत्म कर देना, भाई हमने ले लिया, हमने तुमको बता दिया, ऑटोमेटिक खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज हमने ले ली लेकिन बताया नहीं, ठीक है, तो ये हो जाए टर्मिनेशन, उनको पता चल गया, उन्होंने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, ठीक है। थर्ड आती है वंचित किए जाने पर, डिप्रिवेशन, यानी कि अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, इंडिया में रहते जरूर है, लेकिन अगर इंडिया में रहकर आपने कुछ अभद्र मतलब गलत काम, मतलब कि जो संसद को मान्य ना हो, संसद की नजरों में अगर वो गलत है तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो वो अगर गलत कार्य किया है और अगर संसद चाहती है कि नहीं इस इंसान को, इस नागरिक को इंडिया का नागरिक कहलाने का हक नहीं है, तो वो उसको डेप्रिवेशन कर सकती है, उसको नागरिकता उसकी छीन सकती है, वंचित कर सकती है उसको नागरिकता से, ठीक है। तो वो जिंदा रहेगा घर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई गलत है, कोई प्रधानमंत्री को कुछ मानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कुछ भी गलत अभद्र कार्य करता है जो संसद को नहीं पसंद है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है लेकिन वो उसने कर दिया है, तो वो गलत हो गया, तो वो बोला गया डेप्रिवेशन, भाई इनकी नागरिकता छीन लो, यानी नागरिकता छीन ली जाए रहोगे यहीं पर, बट तुम कभी नागरिक यहाँ के इंडिया के नहीं कहलाओगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये नागरिकता वाला जो भाग दो है 5 से 11 तक वो आपको समझ में आएगा, और नागरिकता समाप्त करने की विधि, नागरिकता को प्राप्त करने में सब मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो हम जानेंगे, या मैं CA NRC पर एक वीडियो लेके आऊंगा उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।